5 साल में ईमानदारी बालक है, 5-4 है ईमानदार बालक। यह जो है एकांकी है, नाटक है। इस एकांकी में जो है एक बसंत नामक ईमानदार बालक की कहानी है, जो बाजार में दिया सलाई बर्तन छन्नी आदि बेचकर अपना भरण पोषण करता है। तभी उसे बाजार में पंडित राजकिशोर, जो मजदूरों के नेता है, दिखाई देते हैं। और वो बसंत जो है उन्हें दिया सलाई अपना सामान लेने के लिए कहता है। और पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास खुले पैसे नहीं है। बसंत जो है कहता है कि आप नोट दीजिए और मैं उसे बाजार से छुट्टा करवा के लाता हूँ। और पंडित जी राजकिशोर रुपए दे देते हैं। बसंत उसे छुट्टा कराने के लिए बाजार की तरफ जाता है, लेकिन बहुत देर भी जाने के बाद भी जब वो वापस नहीं आता है, तभी उनका एक मार करके जो इनका पंडित राजकिशोर जी का दोस्त है वो आते हैं और आता है और इनसे कहता है कि क्या भाई, क्यों भाई यहाँ आप क्यों खड़े हैं, क्या बात है। ये कहते हैं कि एक लड़का को मैंने पैसे नोट दिए हैं छुट्टा करवाने के लिए, वो बाजार गया है, अभी तक वापस नहीं आया है, उसी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि वो अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि बाजार में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसा लेकर गायब हो जाते हैं या झूठ बोलते हैं। और कुछ देर इंतजार किए, लेकिन वो बच्चा बसंत वापस नहीं आया, तो ये अपने घर आ गए। घर आने के बाद क्या होता है कि प्रताप जो बसंत का भाई है, पैसा लेकर उनका घर खोजते हुए वो उनके पास आता है और पैसा देता है और कहता है कि मेरा भाई बसंत जो है का पैर मोटर के नीचे दब गया है, इसीलिए पैसा देने में थोड़ा सा देर हो गया, आप क्षमा करेंगे और वही मुझे बसंत जो है वही मुझे आपको पैसा देने के लिए भेजा है। तो ये पंडित जी जो है राजकिशोर वो उसके साथ चले जाते हैं, पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो बताता है कि यही टोला में मैं रहता है, ये अपने भाई के साथ रहते हैं, भीखु अहीर के साथ। तो राजकिशोर भी उस बच्चे के साथ हो लेते हैं और तभी एक व्यक्ति को आवाज देकर कहते हैं कि तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं उस बच्चे को देखने जा रहा हूँ। और अहीर टोला आते हैं और बसंत पर उनका नजर पड़ता है, जो दर्द से करा रहा था, वो डॉक्टर को बुला के बसंत को दिखवाते हैं। और उसके डॉक्टर बोलता है कि इसका पैर टूट गया है, इसे अस्पताल में जल्दी भर्ती करवाया, और उसे एम्बुलेंस को बुलवा कर वो उस बालक को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। तो ये कहानी जो है ये एक ईमानदार बालक की कहानी है। उस ईमानदार बालक बसंत जो है के ईमानदारी से खुश होकर ये बसंत की ईमानदारी से राजकिशोर इतने खुश होते हैं कि कहते हैं ये तो नगीना है, दुर्लभ हीरा है, ये हजारों में ऐसा बालक मिलता है, उसके ईमानदारी से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ईमानदारी जो होता है सबसे बड़ा गुण है जिस व्यक्ति में। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सब कुछ सब गुण संपन्न हो, लेकिन ईमानदार ना हो तो तब भी उसके व्यक्तित्व जो है साफ नहीं रहता है, उसका व्यक्तित्व धुंधला ही रहता है। लेकिन अगर कम भी अगर पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी गुण है, दयालुता है, ईमानदारी है, या व्यवहारिक गुण जो होता है, नैतिक गुण रहता है, तो वो व्यक्ति जो है सो गुणी कहलाता है। तो ईमानदारी जो है बहुत बड़ा गुण है, इसीलिए कहा गया है कि ईमानदार जो है बरगद के पेड़ के समान है,
जो देर से बढ़ता तो है लेकिन चिरस्थायी रहता है। जैसे इमाम बरगद का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन वो बहुत सालों तक जीवित रहता है। तो ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब पाठ पांच में हिमालय की यात्रा है। इस कहानी में हिमानंदु जी की हिमालय यात्रा का वर्णन है। इस दौरान उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वही उन्हें अनेक भाव विभोर करने वाले दृश्य भी दिखाई दिया। तो ये एक बार जो है नेहरू जी अमरनाथ की यात्रा पर गए थे। मार्ग में उन्हें जहाँ भाव विभोर करने वाले दृश्य देखने को मिला वही कठिनाई भी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनका उत्साह जो है बढ़ता गया। कहीं ग्लेशियर तो हिमनद तो कहीं कटीली ये ठंडी हवा उन कपकपा देने वाली। वास्तव में जितनी दूर जाते थे उनको लगता था कि अभी मेरा मंजिल जो है उपास ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर होता था, वो उनका भ्रम था। जोजिला घाटी से आगे जब सफर करने लगे तो अमरनाथ की गुफाएं सिर्फ वहां से 8 मील दूर था। वो बहुत उत्साहित हो गए और सोचने लगे कि 8 मील दूर ये जो है 8 मील की दूरी तय करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी मैं वो दूरी भी पार कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच हिमाच्छादित बड़ा बड़ा पहाड़ जो था जिसे पार कर दूसरी ओर जाना रहता था और मार्ग भी बहुत कठिन था। बर्फानी नदियों को तो वे रस्सी के सहारे पार करते गए लेकिन एक समय ऐसा आया कि दरारें जो बर्फ से ढकी हुई थी उनका वजन जो है उस बर्फ उसको जो पार कर रहे थे सो उनका वजन ये दरारें जो है बर्फ जो है सहन नहीं कर पाया और फिसल गया और नेहरू जी नीचे जा गिरे। लेकिन संजोग की बात है या भागवश कहिए कि रस्सी से उनका हाथ नहीं छूटा था, वो रस्सी को थामे हुए थे और उनके साथियों ने उन पर ऊपर खींच लिया। इस घटना से वे काफी भयभीत हो गए और आगे की यात्रा कर जो है वो छोड़ दिए, यानी कि आगे वो यात्रा नहीं कर पाए और अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। तो एक इस कहानी का सार ये है कि हम ये जो है मैं कहीं कुछ पाने के लिए जब हम कोई ये यात्रा करते हैं या हिमालय की यात्रा करते हैं तो क्या होता है कि बहुत अच्छा दृश्य भी दिखाई देता है तो कठिनाइयां भी मार्ग में बहुत आते हैं। लेकिन ऐसे ही जीवन जीने के लिए जो है जीवन को जो हम जीते हैं या सफल जिंदगी जीने के लिए जो है हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहाँ जीवन हमें खुशी भी दे ये खुश भी रखता है तो वहाँ कठिनाइयां भी बहुत आती है। लेकिन हमें उस कठिनाइयों से डरना नहीं है या डरना नहीं है, रुकना नहीं है अपने जीवन को जो हम करते हैं या अपना लक्ष्य पाने के लिए हम ये कठिनाइयों का सामना हमें करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम मंजिल को पा सकते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जो खुशियों के साथ साथ दुखों भरा माहौल भी देता है, लेकिन उससे उसमें हमें धीरज बनाए रखना चाहिए और धीरज वाले ही अपने ये सफल होता है जिंदगी में सफल होते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं।